सिंगरौली में जियावन देवसर के बाजार में पुलिस और व्यापारियों के बीच संघर्ष हुआ। टोटल लॉकडाउन और प्रतिबंध के बावजूद मुख्य बाजार में सुबह सब्जी, फल और अन्य दुकानें खुली रहती हैं, जिसको लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। इसी दौरान व्यापारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के बीच सुबह 10 बजे जियावन थाने की पुलिस टीम ने दुकानों को बंद करवाना चालू कर दिया। इस बीच सब्जी विक्रेता के साथ पुलिस ने गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद व्यापारी और उसके परिजनों ने पुलिस वाहन को घेर लिया और पुलिस वालों पर हमला कर दिया। हमला होते देख पुलिस वाले वहां से भाग खड़े हुए। उसके बाद सूचना पर तहसीलदार, पटवारी और पुलिस टीम वहां फिर पहुंची, व्यापारी और उसके परिजनों के साथ मारपीट की, जिसके बाद पूरे बाजार में तनाव की स्थिति बन गई। इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह ने इसे गलत बताते हुए कहा कि जब भाजपा के लोग प्रदर्शन करते हैं तब प्रशासन कोरोना नियमों की दुहाई नहीं देता, प्रशासन पक्षपात कर रहा है। इतने हम बैठे थे बाहर, हमको सामान हटा रहे थे, वो लटा रहे थे, सब फाड़ दिया हमारा। फिर हम बैठे थे, हमारा आएंगे तो पर्दा बनाएंगे, तभी हम दुकान बंद करेंगे। तो फिर आए तो हमको बहुत तहसीलदार एसडीएम सबको मिलकर बहुत मारे, एसडीएम नहीं थे, तहसीलदार पटवारी पुलिस पूरी पूरे विभाग बहुत मारी, पौड़ा के बहुत मारी ऊपर से नीचे। देखिए ऐसा है कि ये कोरोना को लेकर के जो कर्फ्यू चल रहे हैं उसी के पालन कराने के लिए नायब तहसीलदार राजकुमार रावत अपने साथ एकाध कोई कर्मचारी पुलिसकर्मियों को लेकर के और जो दुकानें खुली हुई थी उनका चालान कर रहे थे। उसी दौरान एक दुकानदार है श्याम बहादुर गुप्ता, इसकी जूता चप्पल की दुकान है, इसके द्वारा कुछ मिसबिहेव किया गया। दोनों के बीच में नायब तहसीलदार और उसके बीच में कुछ मारपीट हुई है और उसी बीच में कुछ व्यापारी लोग आ गए, फिर पुलिस भी आ गई और फिर उस मामले को वहीं पर शांत कराया गया। कोई विशेष घटना नहीं हुई। अभी 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, विधायक, सांसदगण ने पश्चिम बंगाल के मुद्दे को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था। फिर व्यापारियों के साथ यह भेदभाव क्यों सरकार कर रही है, क्यों उनके साथ मारपीट और बदतमीजी की जा रही है? माना कि कोविड-19 चल रहा है, लेकिन नियम कानून कायदे सबके लिए एक समान होने चाहिए। निश्चित तौर पर यह सरकार आम जनता के लिए और सत्ताधारी नेताओं के बीच में भेदभाव करने का काम कर रही है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।